दोस्तों, अगर आप एक मोबाइल फोन यूज करते हो तो आप अपने मोबाइल में जो है वो यूट्यूब तो जरूर से चलाते होंगे। दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब चलाते हो तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल के यूट्यूब के बारे में ये जरूर से पता होना चाहिए कि आपका यूट्यूब जो है वो कोई दूसरा तो नहीं चला रहा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका यूट्यूब जो है वो कोई दूसरा भी चला रहा होगा तो वो आपकी सारी एक्टिविटी देख रहा होगा कि आप यूट्यूब पर क्या देखते हो और आप यूट्यूब पर क्या सर्च करते हो, तो वो दूसरा बंदा जो है वो आपकी एक्टिविटी के बारे में जो है वो सब कुछ जानता होगा। तो दोस्तों, आपको अपने YouTube के बारे में एक बार जरूर से पता करना चाहिए कि आपका YouTube जो है वो कोई दूसरा चला रहा है या नहीं चला रहा है। आप ये कैसे पता कर सकते हैं, और अगर आपका YouTube जो है वो कोई दूसरा चला रहा होगा तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको YouTube के ऊपर की तरफ जो है वो गोल सा आइकन दिख रहा होगा, गोल सा लोगो जो है वो दिख रहा होगा, तो आपने सिंपली से जो है वो वहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने मैनेज योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देने। जैसे ही आप मैनेज योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में आपने जो है वो लेफ्ट को जो है वो स्क्रॉल करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा सिक्योरिटी का। तो आपने सिंपली से जो है वो सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने। उसके बाद में दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर चेक क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो बताए गए होंगे। आपने दो तीन ऑप्शन को जो है वो ध्यान से चेक करना है। एक तो आपने जो है यहाँ पर रीसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी को जो है वो चेक करना है कि आपके यहाँ पर जो है वो लास्ट 28 डे में जो है वो कोई रीसेंट एक्टिविटी तो नहीं हुई जो आपने नहीं की है, पर फिर भी आपके अकाउंट पर जो है वो एक्टिविटी जो है वो हुई है। उसके बाद में दोस्तों आपने बैक जाना है, और बैक जाने के बाद में आपने सबसे नीचे की तरफ जो है वो स्क्रोल डाउन कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप स्क्रोल डाउन करके सबसे नीचे आ जाओ, उसके बारे में आपको यहां पर जो है वो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा योर डिवाइसेस का। तो आपने करना क्या है, आपने योर डिवाइस वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देना। जैसे ही आप योर डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपने यहां पर चेक करना है कि आपके यहाँ पर जो है वो किसी और के डिवाइस का नाम तो नहीं शो रहा। एक तो आपके मोबाइल का नाम होगा, और अगर आपको नीचे की तरफ जो है वो कोई अननोन मोबाइल का नाम शो हो रहा है जिसको आप नहीं जानते हो, जिसको जिसमें आपने जो है वो अपने अकाउंट को कभी भी लॉग इन नहीं किया है, तो दोस्तों आपका यूट्यूब जो है वो कोई दूसरा चला रहा है, आपकी जीमेल आईडी जो है वो हैक है। क्योंकि दोस्तों जीमेल आईडी ही आपका यूट्यूब होता है, जीमेल आईडी पर ही जो है वो आपका यूट्यूब चलता है। तो आपने करना क्या है, अगर आपको किसी भी अननोन मोबाइल का नाम जो है यहाँ पर शो हो रहा है तो आपने उस पर जो है वो क्लिक कर देना है जिसको आप नहीं जानते हो कि ये अननोन है, मैंने इसमें जो है वो कभी भी अपनी आईडी जो है वो लॉगिन नहीं की है। तो आपने उस डिवाइस पर जो है वो क्लिक कर देने। उस डिवाइस पर क्लिक करने के बारे में आपके पास जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि उस बंदे ने जो है वो आपकी आईडी को अपने मोबाइल में कब लॉगिन किया था, वो आपको सारा कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा, और आप उसकी डिटेल के बारे में भी पता कर सकते हो। अब मान लो कि दोस्तों आप जो है वो आप उसके अकाउंट से जो है वो अपनी आईडी जो है वो बंद करना चाहते हो, लॉग आउट करना चाहते हो, तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर डोंट रिकॉग्नाइज समथिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बारे में आपके पास जो है वो पासवर्ड चेंज करने वाला ऑप्शन आएगा। तो आपने अपनी आईडी का जो है वो उसके बारे में पासवर्ड डाल देना, और उसके बारे में न्यू पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेना। उसके बारे में दोस्तों होगा क्या कि उस बंदे के मोबाइल से जो है वो आपकी आईडी जो है वो लॉग आउट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे आप जो है वो पता लगा सकते हो कि आपका यूट्यूब जो है वो कोई दूसरा चला रहा है या नहीं चला रहा है, और अगर चला रहा है तो आप उसे ऐसे ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।